जापानीज माफिया के याकूजा की तरह पूरे चाइना और एशियन कंट्रीज में एक ऑर्गेनाइज क्राइम का ग्रुप रूल करता है जिसे ट्रायड कहा जाता है। और हमारी आज की मूवी साल 2005 की इलेक्शंस इसी माफिया ग्रुप के बारे में है, जिसमें ट्रायड के हांगकांग के नए प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होता है, पर इलेक्शन को जीतने के लिए दोनों ओपोनेंट्स में एक जंग छिड़ जाती है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपनी आज की स्टोरी की तरफ। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2005 में हांगकांग से, जहां के सारे अंडरवर्ल्ड पे प्राइड नाम के एक माफिया ऑर्गेनाइजेशन का कब्जा है। जो ग्रुप 150 साल से भी पुराना है और इस ग्रुप के हांगकांग समेत सभी एशियन कंट्रीज में लाखों मेंबर्स हैं। फिलहाल हांगकांग ट्राइड में इलेक्शन चल रहे हैं और इसका प्रेजिडेंट बनने के लिए इसमें शहर के दो बड़े ट्राइड लीडर्स एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, जिनके नाम है लोक और बिग डी। जहाँ लोग एक शांत और कम बोलने वाला आदमी है, वहीं बिग डी एक इम्पेशेंट और गुस्से वाला आदमी है, जो इस इलेक्शन को जीतने के लिए ट्रायड के सभी सीनियर मेंबर्स को रिश्वत दे रहा है ताकि सब उसके फेवर में वोट करें। ऐसी ही रिश्वत बिग डी एक फिश हेड नाम के आदमी को भी देता है, जो समंदर के रास्ते देश में ड्रग्स लाने का काम करता है। फिश हेड ये पैसा लेके जिमी नाम के एक आदमी के पास जाता है, जो अपने अंकल के साथ हांगकांग के एक हिस्से में प्रोस्टिट्यूशन का नेटवर्क चलाता है। और फिश हेड जिमी और उसके अंकल को भी बिग डी को ही वोट करने को बोलता है। उधर ट्रायड का अभी का प्रेसिडेंट अंकल टेंग अपने ऑफिस में एक टी पार्टी के बहाने सभी सीनियर ट्रायड मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाता है और इलेक्शंस पे उनकी राय मांगता है। प्रेसिडेंट टेंग हांगकांग का सबसे पावरफुल और पुराना ट्रायड मेंबर होता है और वो सजेस्ट करता है कि हमें लोक को नया प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, क्योंकि वो एक शांत और लॉयल आदमी है जो हमारे सभी बिजनेस की अर्निंग्स को बढ़ा सकता है। और सभी सीनियर लोग उसकी बात से एग्री करते हैं और अपना वोट लोक को ही देने का फैसला करते हैं। बिग डी अपनी वाइफ और आदमियों के साथ नए कपड़े खरीद रहा होता है और एक पार्टी हॉल भी बुक करता है, क्योंकि वो श्योर होता है कि रिश्वत देने से वो ये इलेक्शन जीत जाएगा। पर प्रेसिडेंट टैंग और सभी सीनियर ट्राइड मेंबर्स मेजोरिटी से लोग को वोट देके नया प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं और उसे फोन पे ये न्यूज मिलती है और प्रेसिडेंट टैंग उसे मिलने के लिए अपने ऑफिस बुलाता है। बिग डी इस रिजल्ट को मानने के लिए तैयार नहीं होता और वो अपने आदमियों को भेज के जिमी के अंकल और फिश हेड को उठवा लेता है, क्योंकि उन्होंने रिश्वत लेके भी उसे नहीं जिताया। लोग प्रेसिडेंट टैंग के ऑफिस में आके उससे मिलता है, जहां टैंग उसे नया प्रेसिडेंट बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उसे समझाता है कि ट्राइड की परंपरा के अकॉर्डिंग हर नए प्रेसिडेंट को हमारी 100 साल पुरानी बटान यानी एंशियंट छड़ी दी जाती है, जो प्रेसिडेंट बनने पर मुझे भी मिली थी। वो लोग से कहता है कि मैंने वो छड़ी अपने खास आदमी और चेयरमैन विसल के हाथों चाइना भिजवा दी थी, जो मैं जल्दी वापस बुला के तुझे देने वाला हूँ, ताकि तुझे ऑफिशियली एक सेरेमनी में ट्राइड का प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया जा सके। पर बाहर बिग डी अब तक सारी गेम पलट चुका होता है और वो फिश हेड और जिमी के अंकल को एक लकड़ी के बॉक्स में बंद करके पहाड़ से नीचे फेंक देता है, जिसमें वो दोनों बुरी तरह इंजर्ड होते हैं। बिग डी वहीं से विसल को फोन करता है और कहता है कि मैं इस इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं मानता और अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो फौरन वो ट्राइड की छड़ी मुझे लाके दे, वरना मैं तेरा हांगकांग में जीना मुश्किल कर दूंगा। विसल तुरंत प्रेसिडेंट टैंग को फोन करता है और कहता है कि बिग डी बागी हो गया है और वो मुझसे वो छड़ी मांग रहा है, और प्रेसिडेंट टैंग उसे फिलहाल उस छड़ी को छुपा देने के लिए बोलता है। उधर जिमी लोक के घर आता है और उसे बताता है कि बिग डी ने उसके अंकल और फिश हेड को किडनैप करवाया है, और लोक जिमी को अश्योर करता है कि वो उन दोनों को छुड़वाएगा। और वो वहीं से बिग डी को फोन करता है और कहता है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके हैं, इसीलिए उसे अब सीनियर ट्राइड मेंबर्स को तंग नहीं करना चाहिए। पर बिग डी उसे कहता है कि वो लोक को अपना प्रेसिडेंट नहीं मानता और प्रेसिडेंट वही बनेगा जिसके पास वो छड़ी होगी, जो इस वक्त लोक के पास नहीं है। और लोक समझ जाता है कि बिग डी उस छड़ी को उससे पहले हासिल करने की कोशिश करेगा। चेयरमैन टैंक के कहने पर विसल अपने एक आदमी के साथ चाइना जाने के लिए एयरपोर्ट जा रहा होता है, जब बिग डी के कुछ आदमी एक वैन में उन्हें ओवरटेक करते हैं और जिमी के अंकल और फिश हेड को उनके सामने रोड पे फेंक के चले जाते हैं, और उन दोनों की हालत देख के विसल काफी डर जाता है। विसल वहीं रुकता है और अपने उस आदमी को चाइना जाके वो छड़ी लाने के लिए भेजता है, और लोक और बिग डी भी अपने आदमियों को उस छड़ी को हासिल करने के लिए भेजने लगते हैं। शहर में एक गैंग वॉर छिड़ सकती है, इस बात की न्यूज पुलिस तक भी पहुंचती है और पुलिस चीफ शहर के स्पेशल एंटी ट्राइड यूनिट को सभी बड़े ट्राइड मेंबर्स को फॉरन अरेस्ट करने को कहता है। पुलिस सबसे पहले एक्स प्रेसिडेंट टैंग को उसके घर के बाहर से अरेस्ट कर लेती है, और लोग को भी उसके घर जाके उसके बेटे के सामने ही डिनर टेबल पे अरेस्ट कर लिया जाता है। विसल बिग डी के यहाँ जाके उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो छड़ी उसे नहीं दे सकता और अब लोक ही उस छड़ी का मालिक है, जिस बात से बिग डी उससे लड़ने लगता है। और तभी वहाँ बिग डी को भी अरेस्ट करने पुलिस आ जाती है, और विसल समेत बिग डी और उसके सभी साथियों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है।
बिग डी उन पुलिस वालों को गालियां देता है और अपनी अरेस्ट का बेहद रेजिस्ट करता है और पुलिस वाले भी उसका एग्जाम्पल सेट करने के लिए मीडिया को बुला के उनके सामने उसे अरेस्ट करते हैं और बिग डी पुलिस के सामने ही विसल और उसकी फैमिली को जान से मारने की धमकी देता है और विसल उसके डर से हैंडकफ्स में ही वहां से भागने लगता है और सामने से आ रही एक कार के नीचे आ जाता है जिसे पुलिस बाद में हॉस्पिटल पहुंचाती है। पुलिस हेडक्वार्टर्स में बिग डी लोक और अंकल टैंक को अलग अलग सेल्स में रखा जाता है पर पुलिस को पता होता है कि वो इन्हें बिना किसी एविडेंस के एक रात से ज्यादा के लिए नहीं रख सकते, इसलिए पुलिस इन्हें इस गैंग वॉर को बात करके सुलझाने के लिए बोलती है। उधर हांगकांग से लेकर चाइना तक सभी ट्रैक के गैंगस्टर्स को इस इंटरनल वॉर की न्यूज मिलने लगती है और इनमें से कई लोग बिग डी और लोक को सपोर्ट ऑफर करते हुए अपने अपने आदमियों को उस छड़ी को पहले ढूंढने का काम देते हैं। चाइना के गैंगजो स्टेट में फाइनली विसल के भेजे हुए आदमी को वो छड़ी मिल जाती है जब लोक को सपोर्ट कर रहा एक बिग हेड नाम का आदमी उससे वो छड़ी ले लेता है और तभी चाइनीज पुलिस और बिग डी के कुछ आदमी वहां पहुंच जाते हैं, इसलिए बिग हेड अपने साथी के साथ वहां से भाग निकलता है। उधर हांगकांग में पुलिस चीफ अंकल टैंग से तुरंत ये गैंग वॉर रुकवाने को बोलता है और कहता है कि अगर इस इलेक्शन की वजह से यहाँ कोई वायलेंस हुई तो मैं सबको अरेस्ट करवा लूंगा और टैंग चीफ को याद दिलाता है कि सिर्फ हांगकांग में ही ट्राइड के लाखों एक्टिव मेंबर्स हैं जिन सबको जेल में डालने के लिए सरकार को नई जेल्स बनवानी पड़ जाएंगी, पर वो चीफ को एश्योर करता है कि वो बिग डी और लोग से बात करके जल्द ही कोई बीच का रास्ता निकालेगा और पुलिस चीफ के कहने पर एक कांस्टेबल उसे बिग डी के सेल में लेके जाता है। अंकल टैंग बिग डी से कहता है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं और लोक ने मेजोरिटी से ये इलेक्शन जीता है जो तुझसे कोई लड़ाई नहीं चाहता, इसीलिए तुझे भी अब ये इज्जत छोड़ के इस लड़ाई को खत्म कर देना चाहिए, पर बिग डी उसकी भी बात नहीं मानता और कहता है कि ट्राइड के कस्टम्स के हिसाब से नए प्रेसिडेंट के पास वो छड़ी होनी चाहिए जो लोक के पास नहीं है, इसीलिए मैं उसे अपना प्रेसिडेंट नहीं मान सकता और अगर फिर भी आप लोगों ने मुझे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए फोर्स किया तो मैं ट्राइड छोड़ के अपना खुद का एक माफिया ग्रुप बना लूंगा। जिस बात से टैंग भी नाराज हो जाता है और उसके सेल से जाते हुए कहता है कि अगर तूने ट्राइड की यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की तो लोक समेत हम सभी ट्राइड वाले तेरे अगेंस्ट वॉर शुरू कर देंगे जिस लड़ाई से तू और तेरा गैंग कुछ घंटों में ही खत्म हो जाएगा। बिग डी के ट्राइड छोड़ के एक अलग ग्रुप बनाने की धमकी किसी भी ट्राइड मेंबर को पसंद नहीं आती और सभी इस न्यूज से बिग डी को सपोर्ट करना बंद कर देते हैं और जिमी भी उन सबको बिग डी को सपोर्ट ना करने के लिए बोलता है क्योंकि बिग डी ने उसके अंकल और फिश हेड को किडनैप करवा के टॉर्चर किया था। चाइना से जब बिग हेड वो छड़ी लेके हांगकांग की तरफ आ रहा होता है तब वो नोटिस करता है कि बिग डी के कुछ सपोर्टर्स उसका पीछा कर रहे हैं और उसका साथी ट्रक रोक के खेतों में भाग जाता है। बिग हेड छड़ी के साथ भागने का ट्राई करता है पर कुन नाम का एक चाइनीज ट्राइड मेंबर जिसे उसके बॉस ने वो छड़ी लाने का काम दिया होता है वो बिग हेड को इंजर्ड कर देता है और उसे मार के उससे वो छड़ी छीनने लगता है, पर बिग हेड भी कुन की ही तरह ट्राइड के लिए बेहद लॉयल होता है और उसे बस ये छड़ी लोग को देने के ऑर्डर्स मिले होते हैं इसीलिए वो बेहद मार खाने के बाद भी छड़ी नहीं देता। कुन और बिग हेड को सेम टाइम पे अपने बॉसेस का फोन आता है और वो सब कहते हैं कि अब सारा ट्राइड सिर्फ लोग को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि बिग डी ट्राइड की यूनिटी के लिए खतरा है और हमें आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कुन बिग हेड से माफी मांगता है और बिग हेड उसे वो छड़ी हांगकांग तक सेफली पहुंचाने के लिए दे देता है और कुन बिग हेड का ट्रक लेके हांगकांग की तरफ चल पड़ता है। अपने एक्सीडेंट के बाद कई दिनों तक बेहोश रहने के बाद विसल अब होश में आ गया होता है और हॉस्पिटल में एक गार्ड से पेन और पेपर लेके पुलिस की एंटी ट्राइड यूनिट को बुलाने के लिए बोलता है क्योंकि उसने एक सरकारी गवाह बन के बिग डी के खिलाफ गवाही देने का मन बना लिया होता है और जब पुलिस को पता चलता है कि उनके पास बिग डी के अगेंस्ट एक गवाह है तब वो बिग डी को रिलीज नहीं करते और उसके सिवा अंकल टैंग लोक और सभी ट्राइड मेंबर्स को पुलिस छोड़ देती है। हांगकांग बॉर्डर पे कुन को पुलिस का एक बैरिकेड दिखता है और वो उसे तोड़ के आगे बढ़ जाता है और अपने गैंग को फोन पे बताता है कि उसके पीछे पुलिस हो सकती है, इसीलिए गैंग एक जेट नाम के आदमी को उसकी हेल्प के लिए भेजता है। जेट बाइक पे कुन के पास पहुंचता है और कुन से वो छड़ी लेके आगे बढ़ जाता है। जेट छड़ी डिलीवर करने के लिए आगे बढ़ता है पर रास्ते में बिग डी के लोग उसे रोक लेते हैं और उससे वो छड़ी छीनने की कोशिश करते हैं, पर जेट पहले एक कॉन्ट्रैक्ट किलर भी रह चुका होता है और वो उन लोगों के चाकू और तलवारें छीन के उन पे ही अटैक कर देता है और वहां मौजूद कई आदमियों को काट डालता है। इस लड़ाई के बीच में जिमी भी वहां आ जाता है जो कुन पे नजर रख रहा था और वो भी जेट की हेल्प करने के लिए उन लोगों से लड़ने लगता है, पर इस लड़ाई में जेट बेहद बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और जिमी उसे अपनी कार में लेके वहां से भाग निकलता है। जिमी शहर के एक पे फोन से जेट के लिए एम्बुलेंस को कॉल करता है और उसी पे फोन में उसे रख के उसके पास से छड़ी लेके वहां से चला जाता है।
रिलीज होने के बाद लोग को पता चलता है कि जिमी के पास वो छड़ी है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। लोग को अपने लॉयर से ये भी पता चलता है कि विसल कोमा से बाहर आ गया है और वो बिग डी के खिलाफ गवाही देने वाला है। लोग को बिग डी की टेंशन नहीं होती, पर विसल की गवाही से पुलिस वाले बाकी ट्रायड मेंबर्स पे भी केसेस चला सकते हैं, इसलिए सबको बचाने के लिए वो विसल से मिलने एक लॉयर को भेजता है, जो लॉयर हॉस्पिटल जाके पुलिस प्रोटेक्शन में विसल से मिलता है और उसे एक न्यूज़पेपर हेडलाइन दिखाता है जिसमें विसल के बेटे को एक ट्रक ने रोड पे क्रश कर दिया होता है और वो लॉयर विसल को उसकी फैमिली की फोटो दिखा के वार्न करता है कि अगर उसने किसी भी ट्रायड मेंबर का नाम लिया तो उसकी फैमिली का हाल भी उसके बेटे जैसा ही होगा। इस थ्रेट से विसल बेहद ज्यादा ही डर जाता है और लॉयर के जाने के बाद वो सुसाइड कर लेता है, जिससे पुलिस का ट्रायड और बिग डी के अगेंस्ट इकलौता गवाह भी खत्म हो जाता है। जिमी लोग से जाके मिलता है और लोग उसे छड़ी लाके देने के लिए पैसे ऑफर करता है, जिसके लिए वो मना कर देता है और लोग उसे यकीन दिलाता है कि एज ए प्रेसिडेंट वो हांगकांग ट्राइड की इनकम पहले से डबल कर देगा और जिमी उसे वो छड़ी दे देता है। इसके बाद लोग जिमी जैसे उन सभी आदमियों को भी अपने पास बुलाता है जिन्होंने इस छड़ी को उस तक लाने में हेल्प की और बिग हेड कुन जेट भी उससे मिलने आते हैं और लोग उन सभी को आज से अपना गॉड सन डिक्लेयर करता है और ट्रायड गैंग्स में पहले से बेटर पोजीशन देता है। इसके बाद लोग पुलिस स्टेशन जाके बिग डी की बेल पे करता है और बाहर आने पर उसे बताता है कि छड़ी अब उसके पास है और वो हांगकांग ट्रायड का प्रेसिडेंट है। बिग डी देखता है कि पुलिस स्टेशन के बाहर लोग के साथ ट्रायड गैंगस्टर्स की एक बड़ी फौज खड़ी है और उसके सपोर्ट में सिर्फ उसकी वाइफ और चार आदमी खड़े होते हैं और लोग बिग डी को अपने साथ एक ड्राइव पे चलने को कहता है और लोग के सभी आदमी और बिग डी की वाइफ भी उन दोनों की कार को अपनी गाड़ियों में फॉलो करने लगते हैं। लोग बिग डी से कहता है कि हमारी लड़ाई से ट्रायड की यूनिटी पे असर पड़ा है, इसलिए मैं कॉम्प्रोमाइज करना चाहता हूं और वो बिग डी को हांगकांग का नाइट क्लब से भरा हुआ एरिया ऑफर करता है और कहता है कि आज से अपने एरिए के साथ साथ इन नाइट क्लब्स और बार्स की अर्निंग भी तेरी होगी और मैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी तुझे सपोर्ट करूंगा और तब तक हम दोनों मिलके हांगकांग के हर अंडरवर्ल्ड बिजनेस को टेक ओवर कर लेंगे, जिसके लिए तुझे बस मुझे अपना प्रेसिडेंट मानना होगा, पर अगर तू मेरा ऑफर ठुकरा के अभी भी वॉर चाहता है तो मैं वॉर के लिए तैयार हूँ। बिग डी भी समझ जाता है कि अब वो लोग को नहीं हरा पाएगा, इसीलिए वो उससे हाथ मिला लेता है और उस छड़ी के साथ लोग के प्रेसिडेंट बनने की सेरेमनी में बिग डी समेत सभी बड़े ट्राइड लीडर्स आते हैं और लोग को सपोर्ट करने की कसम खाते हैं और बिग डी अब लोग का दोस्त और लॉयल आदमी बन जाता है। एक दिन शहर का एक राइवल गैंग का मेंबर बिग डी को पार्टनरशिप ऑफर करता है और कहता है कि तू आज भी प्रेसिडेंट बन सकता है और मैं तेरे लिए लोग को मार सकता हूँ अगर तू उसे शहर के इस हिस्से में अकेले बुला ले। जिस पे बिग डी लोग को कॉल करके अकेले वहाँ आने को कहता है, पर लोग के उस ऑफिस में आने के बाद बिग डी वहाँ का शटर बंद करता है और लोग के साथ उस आदमी को ही मार डालता है और उसके बाहर खड़े आदमियों को पुलिस से पकड़वा देता है और लोग समझ जाता है कि बिग डी अब उसका सबसे खास आदमी बन चुका है जो कभी उसे या ट्रायड को धोखा नहीं देगा। लोग के साथ मिलके बिग डी उन इलाकों में भी ट्रायड का बिजनेस फैला देता है जो पहले उनके नहीं थे और एक रात को वो दोनों एक बेहद ऊंचे टावर पे जाते हैं जहां बिग डी लोग को थैंक्स कहता है क्योंकि अगर वो प्रेसिडेंट बनने की लड़ाई में पड़ जाता तो कभी इतना पैसा नहीं कमा पाता। इन दी एंड एक दिन लोग बिग डी और उसकी वाइफ को एक फिशिंग ट्रिप के लिए नदी के पास इनवाइट करता है जहां वो अपने बेटे के साथ हर वीकेंड जाता है। एक घंटे बाद फिशिंग करते हुए बिग डी की वाइफ वॉशरूम यूज करने के लिए लोग के बेटे के साथ वहां से चली जाती है और बिग डी लोग से कहता है कि हमारा ट्रायड एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह है जिसमें प्रेसिडेंट के साथ हमेशा एक चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट होता है और मुझे लगता है कि मुझे तेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहिए, पर लोग कहता है कि ये हमारे ट्रायड के ट्रेडिशन के अगेंस्ट होगा। बिग डी नहीं मानता और कहता है कि हम अगर चाहें तो सीनियर लोगों को ट्रेडिशंस बदलने के लिए फोर्स कर सकते हैं और मैं अंकल टैंग से इस बारे में बात करने वाला हूं, और लोग ये सुन के चुप हो जाता है। लोग ये समझ जाता है कि बिग डी कभी भी अपने प्रेसिडेंट बनने के पॉलिटिकल सपने को नहीं छोड़ सकता और इसी वजह से वो भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए वो पास से एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और बिग डी के सर पे तब तक मारता है जब तक वो मर ना जाए। पर उसे ऐसा करते हुए बिग डी की वाइफ और उसका बेटा देख लेते हैं और वो तुरंत अपने बेटे को चिल्ला के वापस कार में जाके बैठने को बोलता है और अपने बेटे के जाने के बाद वो बिग डी की वाइफ को पकड़ लेता है और उसे भी गला घोट के मार डालता है, जिसके बाद वो एक गहरा गड्ढा खोद के बिग डी और उसकी वाइफ की बॉडीज वहीं दफना देता है और सारा फिशिंग का सामान फेंक के अपनी कार में वापस आके बैठ जाता है। लोग का बेटा अपने फादर के हाथों किए गए मर्डर्स देख के ट्रॉमा में होता है, पर लोग बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करता है और कहता है कि लेट्स गो होम।
क्योंकि एज ए प्रेसिडेंट उसे ट्रायड माफिया के लिए जो भी करना पड़ेगा वो हमेशा करेगा। एक और ऐसी मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स एंड एक्शन।